हाय फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट अपडेट से आपको रूबरू कराने वाले हैं, जो है रिलेटेड टू सिविल आईडी। यस, इससे पहले भी मैंने जो सिविल आईडी की वीडियो बनाई थी उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मुझे लगा कि एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो रिलेटेड टू है सिविल आईडी के लिए, वो आपसे शेयर करनी चाहिए। इस वीडियो में हम लोग आपसे कुछ ऐसी अपडेट बताना चाहते हैं जो PACI ने लोगों के लिए करी है। तो कुछ लोग मेरे जैसे हैं जिन लोगों ने काफी टाइम से अपना सिविल आईडी अप्लाई कर रखा है और उनका सिविल आईडी नहीं आ रहा, बार बार यही आता है सिविल आईडी इज बीन अंडर प्रोसेस, तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज आज की वीडियो में आपसे बताई जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या अपडेट है। बेसिकली PACI, बिल्कुल ये राइट टाइम है, ये जो अथॉरिटी है ये हम लोगों को इश्यू करती है सिविल आईडी। यस, तो इस जो सिविल आईडी जो अथॉरिटी है जो ये हमें इशू करती है, इन्होंने बोला गया है कि अगर आपने 5KDs दे रखे हैं प्रिंट करने के लिए अपने सिविल आईडी को, और अगर अभी तक आपको सिविल आईडी नहीं मिला है तो आपको दोबारा देने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने मई 23 से पहले अपना सिविल आईडी रिन्यूअल के लिए दिया था और वहां पर आपने 5KD भी दे दिए थे सिविल आईडी प्रिंट करने के लिए, और अभी तक आपका सिविल आईडी नहीं आया है, तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये दी है कि अब वो नहीं आएगा, बिकॉज उन्होंने अभी जितने भी सिविल आईडी थे मई 23 से पीछे के उसको प्रिंट करना बंद कर दिया है। So, अगर आपने पैसे दे दिए थे तो वो दोबारा देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर जब आपका दोबारा से रिन्यूअल होगा उस टाइम पे आपके ये जो पहले दिए गए पैसे को यूज किया जाएगा और आपसे नया पैसा कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। सो ये अपडेट थी। डेफिनेटली इसमें जो हम जैसे लोग हैं, बिकॉज हमने भी भाई हमने भी हमारा तो मेरे से पीछे का है, मेरा तो मैंने तो उस टाइम पे पैसे दे दिए थे और अब पता लगा है कि मेरा कार्ड इस साल प्रिंट नहीं होगा और वो अब नेक्स्ट ईयर ही होगा। बट दिव्या का जो है वो मई से पहले का था, तो डेफिनेटली वेट करते हैं और उसका कार्ड वो प्रिंट हो जाएगा। तो इससे एक चीज खबर के पता लगती है कि जिन्होंने मई से पहले दे रखा था अब उनका कार्ड प्रिंट नहीं होगा, अब उनका कार्ड नेक्स्ट ईयर ही प्रिंट होगा। अगर आपने 5KD दे रखे है तो नेक्स्ट ईयर आपको देने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं दे रखे तो आपको नेक्स्ट ईयर जब रीप्रिंटेड कराएंगे तो उस टाइम देना पड़ेगा। तो ये एक नोटिफिकेशन थी, क्लैरिटी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, जिन लोगों को समझ आ सके और पता चल सके। और एक चीज ये भी बता रखी थी कि अब जो नई रिक्वेस्ट है सिविल आईडी की, अगर आपने रिन्यू करवाया सिविल आईडी और अब आपका सिविल आईडी 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स में प्रोसेस हो जाएगा और वो आपको मिल सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और वहां के ऑफिसर्स ने ये बोला है कि अगर आपका सिविल आईडी बन जाता है तो डेफिनेटली प्लीज वहां विजिट कीजिए, विजिट करके अपना सिविल आईडी अपनी मशीन से निकाल लीजिए, बिकॉज अगर आप नहीं निकालते तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मशीन के अंदर जो कार्ड रखने की जगह है वो एक लिमिटेड है, तो वो अक्यूमुलेट हो जाती है और नए सिविल आईडी उसमें रख नहीं पाते हैं। तो ये आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। नाउ इट्स आवर ड्यूटी, अगर सिविल आईडी आपका आ गया है तो आप वहां पर जाए और अपना सिविल आईडी जल्दी से जल्दी अपनी मशीन से निकाल ले, जिससे कि क्या होगा कि हम लोगों को दूसरे जो लोग हैं जिनका सिविल आईडी नया बनने वाला है उन लोगों को पूरा मौका मिले और ये सिविल आईडी का कंजेशन खत्म हो सके। तो ये सारी नोटिफिकेशंस थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, तो काफी अच्छी चीज है। अब नए लोगों का सिविल आईडी जल्दी जल्दी आने लगेगा और जो पुराने लोग हैं हमारी तरह उसका अब अगले साल ही आने वाला है, अब क्योंकि पुराने वालों का अब उन्होंने बंद कर दिया है। तो इस वीडियो में कोशिश की गई है कि सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की जाए। जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी सिविल आईडी से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। वो करता हूं कि जितनी भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और जो हम लोग वेट कर रहे थे वो चीजें पूरी क्लियर हो चुकी होगी, अब चीजें क्लियर है। और अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस वीडियो, रिलेटेड टू सिविल आईडी, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं, हमारी पूरी टीम मदद करेगी इस चीज के आंसर देने के लिए। होप करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो कर सके और हम लोग आपके लिए
ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं, जो प्रॉब्लम आप लोग अपनी रियल लाइफ में शेयर करते हैं कुवैत के लिए, उसका सलूशन हमारे वीडियो पे मिल ही जाता है। तो बिकॉज वो प्रॉब्लम ऐसी होती है जो आप और हम दोनों फेस कर रहे होते हैं, और मेरे पास अगर कोई सलूशन आता है तो मैं चाहता हूं कि वो आपसे सबसे पहले शेयर करूं, और अगर आपके पास भी आए तो मेरे से शेयर कीजिए, जिससे मैं लाखों सब्सक्राइबर के रंग उसे शेयर कर सकूं। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, नहा नई नई रील बनाते रहते हैं। और अब ये वीडियो खत्म करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से नए नए वीडियोज आपके लिए लेके जाए, जो आपकी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बना पाए।